कटंगी तहसील में आयोजित धरने पर हमारे रीवा से साथ चल कर आए हमारे नेता परम शुद्ध अपना दल के प्रदेशाध्यक्ष मास्टर बुद्धसेन पटेल जी, समाजसेवी ज्ञानेन्द्र गौतम जी, एक महासचिव श्री प्रकाश तोमर जी, किसान नेता मनुमेंद्र पटेल जी, हमारे इस कटंगी तिरोड़ी जिला बालाघाट से आए हुए सभी हमारे किसान साथी, अरुण कुमार राहंगडाले जी, दीनदयाल देशमुख जी, नंदलाल जी, हम सिंह ठाकरे जी, सुनील सरोते जी, शैलेन सहारे जी, लंकेश जी, भोजराम पटले जी, हंसलाल ठाकरे जी, योगराज ठाकरे जी, नंदकिशोर पटले जी, शुभम धुरे जी एवं समस्त हमारे किसान भाइयों, मैं इस बालाघाट की धरती को प्रणाम करते हुए और आज मैं बैठा था, एक सज्जन आए थे, उनसे हमारी काफी चर्चा हुई और सारी चर्चा के बाद ये निष्कर्ष निकला कि ये जो बालाघाट का जिला है ये समाजवादियों का गढ़ है। जिस तरह हम लोग रीवा से आए, रीवा भी समाजवादियों का गढ़ था और एक प्रदेश से लेकर के देश के अंदर कहीं ना कहीं नाम रोशन करने का काम किया। इसी तरह यहां माननीय कंकर बंजारे जी हमारे दल से विधायक हुआ करते थे, आज भी जो जानकारी हुई कि आज भी वो संघर्ष के क्षेत्र में है, हमारे साथियों ने उनसे संपर्क किया कि नहीं इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां पर हम लोग आज आपकी मांगों के लिए लड़ाई लड़ने की शुरुआत करने आए हैं, वहां से बीजेपी के विधायक हैं केडी देशमुख जी और सांसद हैं देव सिंह जी, कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन जी। साथियों, बड़ा दुख हुआ जब मेरे भाइयों ने फोन से संपर्क किया, कहीं से मेरा नंबर मिला होगा, उन्होंने बताया कि हमने सांसद और विधायक को भी ज्ञापन दिया। साथियों, सांसद और विधायक को जहां ज्ञापन देने का सवाल है, तो ये सवाल बड़ा संदेह पैदा करता है।